नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। दिल्ली में घोटालों की बाढ़ आई हुई है, एक के बाद एक घोटाले रोज देखने को मिल ही जाते हैं। अब एक बार फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार में ऐसा ही घोटाला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। लापरवाही किस हद तक की गई है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर केजरीवाल पीछे रहते हैं और वोट मांगने के नाम पर सबसे आगे। लेकिन केजरीवाल की अब सारी पोल पट्टी खुलकर जनता के सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल की सरकार में फिर से हुआ घोटाला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल सरकार में फिर से घोटाला, अधिकारियों की लापरवाही उजागर, कागजों पर अधिकारियों ने बना दी सड़क, जनता के साथ केजरी के अधिकारियों का धोखा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में छोटे से लेकर बड़े नेता मंत्री एक के बाद एक घोटाले में फंस रहे हैं और अब केजरीवाल सरकार के अधिकारी भी इस लाइन में आ गए हैं और एक ऐसा घोटाला कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल दिल्ली में सड़क निर्माण परियोजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ठेकेदार ने PWD के अधिकारियों के साथ मिलकर कागज में सड़क बनवा दी, इससे 11,60,00,000 रुपए का घोटाला किया गया। मामले में भ्रष्टाचार निरोध शाखा ACB ने 22 दिसंबर को PWD के अधिकारियों के साथ ही एक अन्य केस दर्ज किया है। ये मामला वेस्ट एनक्लेव में आउटर रिंग रोड ब्रिटेनिया चौक के पास सड़क संख्या 43 गुरु हरिकृष्ण मार्ग का है। ACB के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के मुताबिक इस मामले में 19 मई 2017 को शिकायत मिली हुई थी, जिससे आरोप लगाया गया था कि मेसर्स MIA कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मोहम्मद इकबाल ने वेस्ट एनक्लेव में आउटर रिंग रोड के ब्रिटेनिया चौक से सड़क नंबर 43 को मजबूत करने के काम के लिए PWD से ठेका प्राप्त किया, लेकिन काम अभी भी जमीन पर क्रियान्वित नहीं किया गया है। कागजों में सड़क बनी हुई दिखाई दी गई है। जांच में पता चला है कि सड़क निर्माण सामग्री जिस दर पर खरीदा जाना था, कागजों में उसे पसंद के मुताबिक खरीदारी दिखा दिया गया। खरीदी गई सामग्री का कोई चलान उपलब्ध नहीं है, ऐसे पता चलता है कि कच्चे माल की खरीद कभी नहीं की गई और ठेकेदारों ने PWD के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला किया। PWD के मटेरियल एट साइट रजिस्टर PW और ठेकेदारों से खरीदे गए अन्य दस्तावेजों में कई वसंगतियां पाई गई हैं। इसके बाद ठेकेदार और PWD के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रस्ताव लगाया गया और अब ये घोटाला सामने आया है। दरअसल दिल्ली में ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं जो हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बड़े घोटालों की बात करें तो उनको देखकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे घोटाले के बारे में बताते हैं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। देश के नाम कई बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, लेकिन कुछ दाग भी लगे। ये दाग हैं घोटालों के। यूं तो आजादी के बाद अब तक देश में लाखों करोड़ों के कई घोटाले हो चुके हैं, लेकिन हम आपको कुछ बड़े घोटालों के बारे में बताते हैं। जीप खरीद घोटाला 1948। देश की आजादी के तुरंत बाद यानी 1948 में जीपी घोटाला हुआ। दरअसल पाकिस्तान हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन 1949 तक महज 155 जीपें पहुंच पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरी। जांच में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त VK मेनन पर आरोप लगे। कई साल चली जांच के बाद 1955 में इस मामले को बंद कर दिया गया। जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे उन्हें बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। बोफोर्स घोटाला 1987। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में BHU फंड घोटाला, 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में कुओ आयात डील, 1981 में अंतुले ट्रांस, 1977 में HDW दलाली मामला सामने आया। ये वो मामले थे जिनका खुलासा देश की आजादी के बाद सबसे पहले हुआ। इसके बाद हुआ बोफोर्स घोटाला।
इसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती है। इसमें देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का नाम आया था। दरअसल 1986 में स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी से भारत सरकार ने 155 तोपे खरीदने का सौदा तय किया था। कहा जाता है कि सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। ऑटोवियो कोट्रोची और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस घोटाले में सामने आया था। इस घोटाले को मुद्दा बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए थे। हर्षद मेहता कांड 1992। बोफोर्स के बाद साल 1992 में हर्षद मेहता कांड सामने आया। स्टॉक मार्केट में हर्षद का बड़ा नाम था। आरोप है कि हर्षद ने धोखाधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। बैंक अफसरों की मिलीभगत से हर्षद ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011। 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। भव्य स्तर पर इसका आयोजन हुआ था। पूरी दुनिया में खिलाड़ी आए थे। आयोजन के एक साल बाद यानी 2011 में इस पर बड़ा दाग लगा। आरोप लगा कि इसमें करीब 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस मामले में मुख्य तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगियों के नाम शामिल रहे। 2G स्पेक्ट्रम केस 2010। ये बात 2010 की है। देश में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। आरोप लगाया गया कि इस पूरे मामले में देश के खजाने को 176,000 करोड़ की हानि हुई। इस मामले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व संचार मंत्री ए राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। दिसंबर 2017 में CBI कोर्ट ने इस मुकदमे में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये गलत मुकदमा किया गया था। ऐसा माना गया है कि ये घोटाला हुआ ही नहीं था। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। भारतीय घोटालों की सूची में एक घोटाला और शामिल है। कॉमनवेल्थ गेम में एक बड़ा स्कैम निकल कर सामने आया था, जिसे इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता तो नहीं हुई बल्कि देश भर में इस आयोजन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा हुई। अनुमान है कि इस आयोजन में कुल रुपए में से खिलाड़ियों पर आधा ही खर्च किया गया और अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। तेलगी घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी ने डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर छापने और उन्हें बैंकों और अन्य संस्थाओं को बेचने में जालसाजी की कला में महारत हासिल कर ली थी। नकली स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर मामले की पकड़ 12 राज्यों तक पहुंच चुकी थी और इस घोटाले की अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा थी। कहा यह भी जाता है कि तेलगी को स्पष्ट रूप से उन सरकारी विभागों से भरपूर समर्थन प्राप्त था जो उच्च सुरक्षा वाले टिकटों के उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। सत्यम घोटाला। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में घोटाला कुछ ऐसा है जो भारतीय निवेशकों और शेयर धारक समुदाय की शांति और शांति को नष्ट कर देगा, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। सत्यम कॉरपोरेट इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताई जाती है, जो कि करीब 12,000 करोड़ की थी। चारा घोटाला। अगर आपने 1996 के बिहार के चारा घोटाले के बारे में नहीं सुना तो आप अभी भी इसे चारा घोटाले के नाम से पहचान सकते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा में लोकप्रिय है। 900 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे अधिक है। इसी मामले में उन्हें अभी सजा भी हुई है और वो सजा काट रहे हैं। ये उत्तर भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक था। हवाला कांड। 1996 में सामने आए $18 मिलियन के रिश्वत घोटाले का हवाला मामला कथित तौर पर हवाला दलालों के माध्यम से देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्राप्त भुगतान से जुड़ा था। इस प्रकार भारतीय राजनीति में पहली बार इसने जनता के चारों ओर खुली लूट का एहसास कराया, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भुगतान किए जाने के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे। भले ही ये घोटाले अलग अलग राज्यों के हो, लेकिन इन घोटालों की वजह से देश की साख पर प्रभाव जरूर पड़ा है। लेकिन अब घोटाला करने वालों की जगह सिर्फ एक ही है और वो जेल है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।